ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग क्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक खाली कंटेनर जिसमें आप क्रीम बनाएंगे। सो ये मेरे पास खाली एक कंटेनर पड़ा हुआ है, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक चम्मच एलोवेरा जेल। सो और ट्राई करिए कि आप एलोवेरा जेल ठंडा ले सकें तो क्रीम की कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी और थिक बनेगी। सो बस ये मैंने एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर लिया है। इसके बाद मैं इस मिक्सचर में ऐड करूंगी एलमंड ऑयल। सो आप कोई भी एलमंड ऑयल ले सकते हैं, मैं यहाँ ये वाला एलमंड ऑयल ले रही हूँ। तो ये सिर्फ हमको हाफ स्पून लेना है, बस इतना ही लेंगे। अगर आप विंटर में बना रहे हैं तो आप वन स्पून ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी समर्स में बना रहे हैं तो हाफ स्पून लेना इनफ है आप लोगों के लिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये लवेंडर एसेंशियल ऑयल। सो अगर आप अच्छा इफेक्ट चाहते हैं तो एसेंशियल ऑयल जरूर से ऐड करें। तो इसमें मैं सिर्फ 3 ड्रॉप्स डाल रही हूँ लवेंडर एसेंशियल ऑयल के। लवेंडर एसेंशियल ऑयल डिटॉक्सिफाई एंड रिजुविनेट करेगा आपकी स्किन, ने भी आने नहीं देगा आपके स्किन पे। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ ये एल्प्स गुडनेस का टी ट्री ऑयल, एंड ये भी बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस वाला एंड बहुत ही कंपल्सरी वाला एसेंशियल ऑयल है। सो अगर आप बहुत जल्दी इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आप इन एसेंशियल ऑयल को जरूर से ऐड करें। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ विटामिन ई की ये कैप्सूल। सो ये आपको कम से कम 4 कैप्सूल इसमें ऐड करनी है। सो ये मैंने ऐड कर दी है, ये देखिए 1, ये 2, ये 3। सो मुझे लग रहा है 3 काफ़ी होगी, तो मैं पहले मिक्सचर को मिक्स करके देख लेती हूँ। मुझे लगेगा कि ऐड करनी है तो फिर मैं एक और ऐड कर लूँगी। सो चलिए अब इसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे ही आप इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे ये एक क्रीम टेक्सचर में आ जाएगा एंड बहुत ही अच्छी सी क्रीम बन जाएगी। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ एंड आप देख ही सकते हो एक क्रीम टेक्सचर में आना शुरू हो गया है। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस एंड बहुत ही इफेक्टिव क्रीम बनेगी ये। सो ये अगर आप चाहें तो आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई करिए, ये चाहें तो आप अंडर आइज में अप्लाई करके रख सकते हैं एंड आप इसे 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के बाहर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाते हुए सिर्फ इतनी इतनी क्वांटिटी बनाएं जो आपको 1 वीक के लिए इनफ हो। देखिए गाइज हमारी क्रीम बनके बिल्कुल तैयार है। तो आप जैसे ही इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे ये बिल्कुल इस क्रीम फॉर्म में आ जाएगी एंड बहुत ही अच्छा वर्क है इसका। सो अगर आप चाहें तो मैं इसको आपको हल्का सा यूज़ करके दिखाती हूँ। तो मैंने देखिए सिर्फ इतनी क्वांटिटी ली है इसकी एंड इसे मैं अब अपने हैंड्स पे यहाँ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले इफेक्ट कितना अच्छा है इसका। एंड इसे मैं हल्के से यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ अपने स्किन में एंड बहुत इजीली, पहली बात तो ये बहुत इजीली आपके स्किन में ब्लेंड हो जाती है। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अमेजिंग है, हाइड्रेट आपके स्किन को बहुत अच्छे से करेगी, आपके स्किन को इरिटेट नहीं करेगी एंड वो चिपचिपाहट आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी इसे अप्लाई करने के बाद। जैसे आप देख सकते हो मेरी स्किन बिल्कुल चिपचिप नहीं कर रही है एंड फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। तो ऑब्वियसली आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। सो ये अगर आपने यूज़ कर लिया अच्छे से आई थिंक 2 वीक के लिए सोने से पहले एंड नहाने के बाद, तो आपको आपकी स्किन में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। सो आप भी अपने घर पे इस क्रीम को बनाइए एंड मुझे रिजल्ट क्या मिलते हैं आपको ज़रूर से बताइएगा। कैसे लगे आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सो चलिए आज के वीडियो को करती हूँ यहीं ख़त्म, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइज।